अब एक आपको मैं दूसरी बात बताऊंगा कि आपको एक तरफ तो इतना बड़ा आपका रोल है कि आपने विश्व को स्वस्थ बना दिया, हम जैसे लोगों को, जितने लोग बैठे हैं सबको बहुत सी बीमारियों से मुक्त कर दिया। आज नई दवाइयां आप निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, हम स्वस्थ होते जाते हैं, दुनिया स्वस्थ होती जाती है। लेकिन आपका और कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है जो मैं चाहूँगा अपने मंटू भाई से इस पर ध्यान देने के लिए। मैं MD पीडियाट्रिक्स करने के बाद 1975 आपका जन्म नहीं हुआ होगा, मैं उस समय न तो ईमेल्स थी, चिट्ठियाँ जाया करती थी, टेली प्रिंटर हुआ करते थे, वो भी टेलीफोन भी बुक करके तीन दिन लगते थे। कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हार्वर्ड में फेलोशिप मिली और मैं पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में फेलोशिप करने के लिए हार्वर्ड चला गया। पहले बार दो दिन के बाद जब मैं ऑन हुआ, ड्यूटी पे गया, मैं अपने प्रोफेसर के साथ राउंड ले रहा था। आई वॉज जूनियर मोस्ट पर्सन, MD पीडियाट्रिक करके गया हुआ था। जब प्रोफेसर ने राउंड लिया, हम नोट ले रहे थे हम लोग, उसके बाद जब राउंड में चले गए तो हमारा काम क्या होता है, यहाँ पे हाउस सर्जन का काम क्या होता है कि वो जो लिखवा दिया प्रोफेसर ने उसको हमें एक्टिवेट करना होता है, कार्यान्वित करना होता है। जैसे ही प्रोफेसर गया, हम बड़े उत्साहित थे, हार्वर्ड पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर हमारे बड़े टॉप के थे। हमने तुरंत नर्स से कहा कि मैं तुरंत इसको भी दवाइयाँ लिखी, मैं इसको लगाना चाहता हूँ, मैं लगाऊंगा, ये करता हूँ। तो उसने मेरी उत्साह देख के कहा, मैं मेरा उस दिन फर्स्ट डे था हार्वर्ड में क्लिनिकल राउंड के अंदर, उसने कहा बैठो बैठो 5 मिनट, प्लीज सिट। मैंने क्यों, वेट वेट, अभी दूसरे प्रोफेसर आएंगे, उसके बाद परमिट करेंगे, तब आप ये देना, तब मैं दूंगी आपके साथ। और बच्चों जानते हो कौन थे, वो थे फार्मासिस्ट, यानी विश्व में डॉक्टर की दवा लिखने के बाद डॉक्टर अपने पर्चे को कार्यान्वित नहीं कर सकता डेवलप्ड कंट्रीज में, जब तक कि आप जो बैठे हैं फार्मासिस्ट, जो दवा के ज्ञाता हैं, उस पर्चे को पढ़ते हैं, डायग्नोसिस को मैच करते हैं और उसमें क्या 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 बीमारियां और हैं साथ में मैच करते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ये दवा देनी है कि नहीं देनी, किस डोज में देनी है, वो लिख के जाते हैं। वो जब उस पर साइन कर जाते हैं, ग्रीन पेन चलती थी, ग्रीन पेन से तब हम परमिट होते थे, तब नर्स परमिट होती थी कि दवा आप दी दवा दीजिए। तो मेरे बच्चों, मंटू पटेल साहब से बोलूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा ये स्कीम यहाँ भी लागू की जाए। देखिए हम डॉक्टर हैं, हम बीमारी के बारे में जानते हैं, बीमारी कैसे होती है हम जानते हैं, दवाई के बारे में हम बहुत जानते हैं, हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन हमसे ज़्यादा आप जानते हो कि उसमें आप, हम भी हैं, मैं भी जब राउंड लेता हूँ कि देखता हूँ मरीजों को, एक साथ दो दो तीन तीन एंटीबॉडी लिख देता हूँ, कुछ लिख देता हूँ, आम आदत है लिखने की डॉक्टरों की, ऐसी दवाएं लिख देते हैं, मान लीजिए हर एक को लिख दिया ओमपेरिजॉल, कुछ भी बी कॉम्प्लेक्स, एक काम है, कॉमन बात है, जरूरत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यंगस्टर से मैं कह रहा हूँ, मंटू साहब बैठे हुए हैं, ऐसा कोई प्रावधान होगा कि आप लोग आओगे और इस प्रथा पे ब्रेक लगाओगे कि यस यू आर ए डॉक्टर, यू हैव राइट टू प्रिस्क्राइब दी मेडिसिन, बट वी आर दी चेकर, वी विल चेक दी प्रिस्क्रिप्शन, सो देर बी नॉट मिस यूज ऑफ मेडिसिन नंबर 1, और नंबर 2 देर बी नो कॉम्प्लिकेशन और नो बैड इंटरेक्शन ऑफ द मेडिसिन। ये चीज आप लोग करेंगे, इसके लिए मंटू भाई साहब से कहता हूँ, और बड़े बड़े जो विद्वान बैठे हैं ये मैंने वहाँ सीखा, वहीं नहीं, हार्वर्ड के बाद मैं किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन गया पीडियाट्रिक लिवर में फेलोशिप करने के लिए, 3 साल रहा, सेम प्रथा है। आज भी डॉक्टर लिख जाता है, लेकिन फार्मासिस्ट हमसे ज़्यादा दवाई के बारे में जानता है, केमिकली हमसे ज़्यादा मॉलिक्यूल के बारे में जानता है, हम उतना नहीं जानते हैं, और वो इंटरेक्शन हमसे ज़्यादा जानता है। तो ऐसा होना चाहिए कि फार्मासिस्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल पेशेंट के ट्रीटमेंट में होना चाहिए डॉक्टर के बाद। इसके लिए मैं जो अधिकारी लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ शुरुआत करें कंट्री के अंदर जिससे कि दवाओं का मिसयूज़ कम हो और आप लोग जो हैं आगे बढ़ें
और हम मरीज को ज्यादा बेहतर ठीक कर सकें और दवाओं का दुरुपयोग से रोक सकें। ये तो हुई आपके अधिकार की बात, इसलिए आप जो बैठे हो, आप हमारे कोई हमारे चेकर हो, डॉक्टरों के चेकर हो, तो मैं चाहूंगा जितने यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं आज से ये मान के जाएं, दिमाग से लेके जाएं, नहीं हम डॉक्टर्स के चेकर हैं, हम उनकी प्रेस्क्रिप्शन को वैलिडिटी को अपनी नॉलेज से क्रिटिकली एनालिसिस करेंगे और फिर अलाउ करेंगे यस दिस मेडिसिन हैज टू गिवन टू पर्टिकुलर पेशेंट।